इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो बिहार की गेंद का नाम लेकर लोगों को डराते धमकाते थे। आरोपी व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के माध्यम से धमकी देकर प्रोटेक्शन मनी की मांग करते थे। दरअसल क्राइम ब्रांच को फरियादी ने शिकायत की थी कि कुछ लोग उन्हें बिहार के खालिद भाई की बैंक के नाम से डरा धमका रहे हैं व 10 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी की मांग कर रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी बैंक के अकाउंट भी खुलवा लिए थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट। पुलिस क्राइम ब्रांच के पास में सूचना आई थी कि 2 लोगों से अलग अलग उनको व्हाट्सएप मैसेज करके एक संदेश रिकॉर्ड करके भेजा गया है, जिसमें अज्ञात लोगों ने उन्हें प्रोटेक्शन मनी के लिए धमकी दी है। 10 लाख रुपए की मांग ये कर रहे हैं और उसमें उन लोगों को उनके सुरक्षा के नाम पर ये पैसे मांगे जा रहे हैं, एक तरह से वसूली के लिए ये फ़ोन कॉल्स थे। और उसकी जब जांच की गई तो उसमें टेक्नोलॉजिकली उसमें ये चेक किया गया कि ये कौन लोग हैं, और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने आनंदम कोचिंग के संचालक और शिक्षक, ये इन लोगों ने मिलकर के बिहार की खालिद मुन्ना भाई गैंग के नाम से का उपयोग करके व्यापारियों से पैसे मांगने की कोशिश की थी। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। ये जैसे ही इसमें सूचना लगी और जो मार्जिन टाइम इन्होंने दिया था पैसे देने का, उसी बीच में साइबर सेल क्राइम ब्रांच इंदौर ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए ये जो मैसेज भेजने वाले लोग थे और जो इसमें पीछे लोग थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।